देखें, सन ऑफ मौलाजा जोनसी है, उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत से पहलू थे, चीज़ें थी जो नासिरुद्दीन साहब के साथ हमारी डिस्कस होती रही। अब उसको हम जल्दी आप देखेंगे कि उसको ऑन सेट हम उसको फिल्म को अब इंशाल्लाह तआला ले आएंगे। फिल्म का जो टाइटल है वो सिर्फ मौला जट नहीं है, सन ऑफ मौला जट है। तो हम वो गांव उजाड़ने जा रहे हैं। नहीं, हर किसी के पास पाकिस्तान में 60 करोड़, 75 करोड़ जितना भी उन्होंने लगाया, अल्लाह हू आलम, नहीं होता लगाने के लिए। हम अपने बजट में रहते हुए एक अच्छी फिल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर टीवी एक्टर्स, टीवी डायरेक्टर्स, टीवी मेकर्स, सब चीज़ जो टीवी के राइटर्स हैं वही बना रहे हैं उसको। जितना बड़ा नाम होता है ना, उसके साथ उतने ज़्यादा मसले मसायल भी अटैच होते हैं। कि हमारे यहाँ ये बात तो है कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लॉबीज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इनकी सोच इनको चेंज करनी बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री पहले ही रॉक बॉटम हिट कर चुकी है भाई, इसके नीचे क्या जाओगे? आपको मैं फिल्म में कास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी ठीक है, आपके सामने तो मैं बहुत अच्छा बन के मिल रहा हूँ। जैसे आप जाते हैं कहते हैं इसका काम को फ्लान कर दो, एक्स वाई जेड कर दो, उसकी भी नज़र नहीं आना चाहिए। अब जब डायरेक्टर के साथ यस बनी हुई है तो क्या करेगा वो? लेग पुलिंग इसी को तो कहते हैं। हमारे जो सो कॉल्ड उस मेरा टाइम में लोग जो डायरेक्टर्स थे जैसा और हीरोज फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने मिलकर एक गेम बनाई कि इसको किस तरह से डैमेज किया जा सकता है। तो फिर उसमें रोल को उन्होंने कम्प्लीटली फिल्म में, मुझे लास्ट मिनट तक भी नहीं बताया गया मेरा रोल था क्या, कि यार आप लोग ये हरकतों से कब बाज आओगे, क्योंकि ये चीज़ें करके क्या आपको मिल गया? फिल्म भी आपकी चली गई। देखें, सन ऑफ मौलाजा जोनसी है, उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत से पहलू थे, चीज़ें थी जो नासिरुद्दीन साहब के साथ हमारी डिस्कस होती रही। अब फिर उस पर काम शुरू हो गया। बीच में मैं अमेरिका चला गया था फॉर अबाउट 5-6 मंथ्स के लिए, अब वापस आया हूँ, हमारी अब फिर मीटिंग शुरू हो चुकी हुई है। कभी कुछ दिन पहले भी यहीं पर ही घर पर मीटिंग उनसे हुई है बैठ के, तो मैंने उनसे ये कहा कि हमें स्क्रिप्ट आप 1 लाइन में मुकम्मल करके दे दें ताकि उसके ऊपर हम लोग अपना काम स्टार्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला उसको हम जल्दी आप देखेंगे कि उसको ऑन सेट हम उसको फिल्म को अब इंशाल्लाह ताला ले आएंगे। मौला जट फिल्म जब बनी तो उनके प्रोड्यूसर ने द लेजेंड ऑफ मौला जट के जो थे डायरेक्टर हाँ जी बिलाल लाशारी उन पे केस कर दिया, वो काफी ज्यादा तवालत का शिकार हो गई 10 साल तक। तो उनके साथ कोई आपकी बातचीत हुई है कि वो सुल्तान रही के बेटे का कुछ ख्याल रखेंगे या फिर वो नया ड्रामा शुरू कर देंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि भट्टी साहब के साथ बड़ा प्यार है, बहुत इज्जत रिस्पेक्ट करते हैं, और मुझे 110% उम्मीद है कि वैसी वैसी बात हमारे भी बीच में नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि वैसे भी हमारा जो अपना एक नाम है, हमारा जो फिल्म का जो टाइटल है वो सिर्फ मौला जट नहीं है, सन ऑफ मौला जट है। तो इट डजेंट स्पेसिफिकली सेंटर्स दैट नेम, इसलिए उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ना होगा। द लेजेंड ऑफ मौला जट ने फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड सेट कर दिए, 400 करोड़ का बिजनेस कर गई, 60 करोड़ से फिल्म बनी, जबकि यहाँ पे पाकिस्तान में इतने ज़्यादा महंगी फिल्म नहीं बन रही। ऐसे तो आपने बजट क्या जेहन में रखा हुआ है और कौन कौन सी लोकेशन जेहन में रखी है? उन्होंने तो पूरा नया एक गांव बसा दिया था फिल्म के लिए, तो आप क्या करने जा रहे हैं? हम वो गांव उजाड़ने जा रहे हैं। नहीं, अल्लाह ख्याल करे। देखें, पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह उसने बिजनेस बहुत अच्छा किया फिल्म ने, लेकिन बात यह कि हर किसी के पास पाकिस्तान में 60 करोड़, 75 करोड़ जितना भी उन्होंने लगाया, अल्लाह आलम, नहीं होता लगाने के लिए। दिस इज़ पाकिस्तान। इंडिया की अगर आप बात करें तो उनकी तो आम फिल्में इतने बजट में बन रही होती हैं। सो मेरे हिसाब से हम अपने बजट में रहते हुए एक अच्छी फिल्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, इसलिए मैं बाबा स्क्रिप्ट पर इम्फोसाइज़ करता हूँ, क्योंकि स्क्रिप्ट मेन जान होती फिल्म की, उस पर ज़्यादा इम्फोसाइज़ कर रहे हैं। मैं क्या बना रही है मैं भी बताऊँगा नहीं, कि फिर हमारे राज खुल जाते हैं उस तरह से। तो शायद जब ऑन सेट आएगी तो आप सब दोस्तों को बुलाएंगे, शरत को दिखाएंगे हमारे गेटअप्स क्या होंगे इसमें, और फिल्म का उसका ताना बाना कैसा जुड़ा हुआ होगा। कोशिश हमारी ये है कि एक फिल्म इतने सालों के बाद आई, उसने इतना बिजनेस कर दिया, ये खुशी की बात है भी और नहीं भी। खुशी की बात इसलिए है कि उसने हमारे लिए बैरियर्स खोल दिए। खुशी की बात नहीं क्यों है? क्योंकि वो एक आई, उसके बाद और बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक आनी चाहिए ताकि सिनेमा रिवाइव हो सकता हो। हमारे सिनेमा को रिवाइव करने के लिए हमें एक नहीं, हमें ऐसी बेशुमार फिल्में देनी पड़ेंगी ताकि सिनेमा हमारा वापस रिवाइव हो सके। सन ऑफ मौला जट एलीट क्लास के लिए होगी या मासिस के लिए होगी? उस मासिस के लिए जिसे जो मासिस सुल्तान रही को देखने के लिए आते थे? दोनों के लिए होगी। ये आपको मैं जरूर बताऊंगा कि इंशाल्लाह ताला ये जो मूवी हम बनाने जा रहे हैं, इसके स्क्रिप्ट के ऊपर हम लोग आपकी सोच होगी, कितनी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, और उस पर चीज़ें हम चेंज कर रहे हैं कि ताकि दोनों एलिमेंट्स को हमें इंशाल्लाह ताला टारगेट करना है, नॉट जस्ट वन स्क्रीन बट बोथ इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अबू जी के वो जो फैंस हैं जिन्होंने मौला जट देखी हुई है वो, और वो मेजॉरिटी में ज़्यादा वो हैं हमारे पाकिस्तान में जो कम्युनिटी देखा जाए, तो उनके लिए इंशाल्लाह हम ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं। हाँ, इसका नाम भी सिनेपैक्स एज वाओ इंशाल्लाह ताला, तो वो भी पसंद करेंगे, वो भी पसंद करेंगे। हमारे यहाँ दो इंडस्ट्री बन चुकी हैं, लाहौर इंडस्ट्री और कराची इंडस्ट्री, उसे माने कोई या ना माने, हकीकत ये है कि दो इंडस्ट्री हैं।
और कराची इंडस्ट्री कहती है कि लाहौर वालों को काम नहीं आता, लाहौर वालों ने साबित कर दिया कि उनसे ज्यादा अच्छा काम कोई करके नहीं दिखा सकता, द लेजेंड ऑफ मौला जट बना के 400 करोड़ का बिजनेस करके। तो आप किस डगर पर चलेंगे? देखिए बात यह है कि कराची के एक बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने एक शो में आके बात बड़ी कही कि जी पहले वक्तों में ये होता था, पुरानी फिल्मों में ये था। कहते चले छोड़े पुरानी बातों को, क्या करना है, हम आज की बात करते हैं। तो मैंने उसका जवाब अपने एक मैंने ब्लॉग में मैंने दिया था। मैंने कहा यार अगर हिस्ट्री ना होती तो आज आप भी यहाँ बैठ के बात ना कर रहे होते। इंडस्ट्री की जो बुनियाद थी वो लाहौर से बनी थी, लाहौर से स्टार्ट हुई थी और लाहौर में ही शायद इसको दोबारा से रिवाइवल मिलने वाला है। नो डाउट कराची में काम अच्छा हो रहा है, लेकिन इट्स ऑल देयर बजट्स, दे हैव, उनके पास टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट्स चीज़ों की हैं। अगर आप काम की बात करें तो एक मौला जट को अगर आप साइड पे कर दें, जो उन्होंने, वो भी बिलाल ने जो डायरेक्ट की इसको, इसको अगर आप साइड पे कर दें, मुझे उनकी फिल्म बता दीजिए जिसने कोई बहुत झंडे गाड़ दिए, नहीं है। बिकॉज दे आर टी वी एक्टर्स, टी वी डायरेक्टर्स, टी वी मेकर्स, सब चीज़ जो टी वी के राइटर्स हैं वही बना रहे हैं उसको। तो आपको लगता है कि बड़ी स्क्रीन पर एक टी वी का एलिमेंट दे रही थी वो। फिल्म इंडस्ट्री को उर्दू फिल्म इंडस्ट्री रिवाइवल की तरफ लेकर जाएगी या फिर पंजाबी फिल्में ही माजी की तरह, जैसे पंजाबी फिल्मों ने बहुत ज्यादा बिजनेस किया सुल्तान रही साहब के दौर से लेके अब तक 2022 तक, अगर देखा जाए रिकॉर्ड उठाया जाए तो सिर्फ पंजाबी फिल्मों ने ज्यादा बिजनेस किया। आप क्या समझते हैं मौला जट किस लैंग्वेज में थी, जब भी लेजेंड ऑफ मौला जट बनी है किस जबान में थी? पंजाबी। तो पंजाबी फिल्म की अगर आप बात करते हैं तो पंजाबी फिल्म में वो आए हैं तो हिट हुई, तो दैट शोज़ यू, अपने आप से वो एक सवाल का जवाब मिल जाता है आपको कि वो फिल्म अगर पंजाबी की जगह उर्दू में होती तो कभी इसको इतनी ज़्यादा शोहरत नहीं मिलनी थी। तो पंजाबी, हमारा जो पंजाब का कल्चर है, पंजाबी फिल्म को जब तक यहाँ से प्रॉपरली हिट नहीं मिलेगी। हाँ मैं ये नहीं कहता कि उर्दू फिल्म बनानी बंद कर दें, बनाएं ज़रूर, पहले भी बनती थी, अबू जी के दौर में बनती थी, लेकिन हमारे यहाँ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर पंजाब, पंजाबी स्पीकिंग ज़्यादा वो पसंद करते हैं। 1000 फिल्मों में काम करने वाले सुल्तान रही का बेटा काम करना चाहता है, आके बार बार पाकिस्तान आता है काम करना चाहता है, लेकिन उस तरह से सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता जिस तरह से उसे देना चाहिए या वो दिखना चाह रहा है। क्या वजह है इसके पीछे, कोई लॉबी है जो आगे नहीं आने दे रही देखिए हैदर सुल्तान को, क्या मामला? जितना बड़ा नाम होता है ना उसके साथ उतने ज़्यादा मसले मसायल भी अटैच होते हैं। वैसे मैं आपको शुरू में मैंने कहा था कि अबू जी के होते हुए एक और बात थी, अब उनके बाद से जो मैं चीज़ें मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ ये बात तो है कि लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, लॉबीज़म यहाँ पे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और सब जानते भी हैं कि मैं अलहमदिल्ला काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा काम कर भी रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ, लेकिन वो लेवल, वो चीज़ टच करने के लिए ऑब्वियसली बात है कोई प्रॉपर टीम वर्क की ज़रूरत होती है। और वो कभी भी यहाँ पर कोई, उनको डर है मेरे हिसाब से कि ये अगर एक इसे प्रॉपर हिट दे दी तो ये भी कोई 15-20 साल के लिए बैठ जाएगा उसके बाद। हालांकि इनकी गलत सोच है, मैं अबू जी की तरह सोचता हूँ कि जब भी कभी फिल्म को, अगर आप, अबू जी कभी वन मैन शो नहीं करते थे अपने आप को, इज़हार कादरी साहब को भी लेके चलते थे, गुलाम उद्दीन को भी लेके चलते थे, एक्स वाई जी और भी लोगों को लेके चलते थे, बड़े लोगों को ब्रेक थ्रू दिया। तो मेरी भी थॉट प्रोसेस यही है, मैं कभी भी नहीं कहता जी अगर मेरी फिल्म बहुत क्लिक होती है तो आई एम ऑल एंड ऑल, कोई मेरे पास आके बैठ के दिखाए मुझे, नहीं मेरी वो मैंटेलिटी नहीं है, मैं बाहर का पढ़ा हूँ, मेरी और तक सोच है। लेकिन इनकी सोच इनको चेंज करनी बहुत ज़रूरी है कि इंडस्ट्री पहले ही रॉक बॉटम हिट कर चुकी है भाई, इसके नीचे क्या जाओगे? किस तरह की साजिश होती है, किस तरह साजिश करते हैं किसी स्टार को फ्लॉप करने के लिए, फिल्म डायरेक्टर करते हैं, प्रोड्यूसर करते हैं, कौन लोग होते हैं ये बेसिकली? बेसिकली और क्या कहते हैं जब किसी को फ्लॉप करना होता है, कोई इसको आगे देखें, ये अगेन फिर पॉलिटिकल बातें हो जाती हैं, लेकिन बात यह है कि किसी को भी अगर आपने करना है, जैसे कि आपको मैं फिल्म में कास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ जी ठीक है आपके सामने मैं बहुत अच्छा बन के मिल रहा हूँ, जैसे आप जाते हैं कहते हैं इसका काम को फ्लॉप कर दो, एक्स वाई जेड कर दो, स्क्रीन पर नजर नहीं आना चाहिए। अब जब डायरेक्टर के साथ यस बनी हुई है तो क्या करेगा वो, लेग पुलिंग इसी को तो कहते हैं। तो ये है कि आपको, अब मैं आपके सलाम मौला जट की बात कर रहे हैं, एक हमारे और प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने पुत्र मौला जट अनाउंस कर दी, उन्होंने कहा जी बनानी है, हमारी कल परसों अभी मीटिंग भी हमारी में से बैठ के हुई, अब जब से उन्होंने अनाउंस किए पूरे स्टूडियो में से मुझे फ़ोन कॉल आ रही हैं जी मुबारक हो मुबारक हो, और जो बड़े बड़े कुछ चंद नाम हैं वो उनको क्या कह रहे हैं कि भाई आप क्यों बना रहे हैं हैदर को लेके, उस फ्लाग को लेके बनाए, फ्लाग को लेके बनाए, फ्लाग को लेके बनाए, उनका लेना देना कोई नहीं है फिल्म के साथ, लेकिन वो लेग पुलिंग करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरे लाइफ में आई थिंक वन टाइम एंड फर्स्ट एंड लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था कि मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ आप लोगों पे ज़्यादा बिलीव कर लेते हैं उनकी बात पे, अन्य वाह ट्रस्ट कर लेते हैं वो वाली मिसाल थी, मैंने ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया हुआ था, लेकिन वो उसका मैंने देखा भी और वही वाली बात हुई कि हमारे जो सो कॉल्ड उस टाइम में लोग जो डायरेक्टर्स थे जैसा और हीरोज फिल्म में काम कर रहे थे, उन्होंने मिलकर एक गेम बनाई जिसको किस तरह से डैमेज किया जा सकता है, तो फिर उसमें रोल को उन्होंने कम्प्लीटली फिल्म में
मुझे लास्ट मिनट तक भी नहीं बताया गया मेरा रोल था क्या, और जब शूटिंग पे जब गए तो चला कि मैं ये कर रहा हूँ, तो फिर उसको उन्होंने उसको भी उन्होंने और ख़राब करने की कोशिश की कि यार ये किस हद तक ऐसे चला जाए कि लोग कहें कि एक ही की तैयार सुल्तान में, और फिर लोगों ने कहा भी। फिर उसके मैंने बरक्स पे आके फिर मैंने एक अपना वीडियो मैंने लॉन्च किया था कुछ अर्सा पहले की बात है, और बहुत उसकी हाइप बन गई थी और बड़ा वो फिर मीडिया में चर्चा बना रहा उसका, इसी बात की वजह से मैंने की थी कि यार आप लोग ये हरकतों से कब बाज आओगे, क्योंकि ये चीज़ें करके क्या आपको मिल गया, फिल्म भी आपकी चली गई और उसके बाद लोगों के बाद अब वही लोग बैठ के जो बात मैंने कही थी उसको सेकंड कर रहे होते हैं, अल्लाह ताला की ज़्यादा पर बैठी हुई ना वो देख रही होती है, तो कोई ना कोई सबक ऐसा बनता है, फिर वही लोग आपकी ज़बान जो आप बोलते हैं वो आपकी तरफ वापस ऐसे रिटर्न हो रही होती है।